हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात कर लेते हैं यूपी के सोनभद्र की। यूपी के सोनभद्र में सरकार के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग गया है। एक पहाड़ देश के कई कर्ज खत्म कर देगा। एक पहाड़ उत्तर प्रदेश के बजट को दुगना कर देगा। एक पहाड़ देश के हर एक किसान के दिन बदल देगा। एक पहाड़ जो इतना सोना उगलेगा कि बहुत कुछ बदल जाएगा। वो पहाड़ है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। सोनभद्र में मौजूद सोने के इस पहाड़ की कीमत है 12 लाख करोड़। सोने की ये कीमत देश के सबसे बड़े राज्य के बजट की 2.5 गुना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 2020-2021 का बजट 5 लाख करोड़ का है। उत्तर प्रदेश के ही सोनभद्र जिले के एक पहाड़ से निकलने वाले 3,500 टन सोने की कीमत 12 लाख करोड़ आंकी जा रही है। केंद्र सरकार ने 2020-21 में किसानों को कर्ज देने की सीमा 12 लाख करोड़ रुपए की रखी है, जो कि सोनभद्र के एक पहाड़ से निकलने वाले सोने की आंकी गई कीमत के बराबर है। सोनभद्र की सोन पहाड़ी में बड़ी मात्रा में सोना पूरे विश्व की निगाहों में चमक उठा है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण सर्वे में इन पहाड़ियों में 3,000 टन से ज्यादा सोना दबे होने की संभावना व्यक्त की गई है। सोने के भंडार एक गुरमुरा से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में एक सोन पहाड़ी है, जो पनारी उस ग्राम पंचायत में आता है, और एक हरदी गांव है, परलच गांव में हरदी है कहलाता है। यहां पे दो जगह सोने के रिजर्व मिले हैं। सर्वे के दौरान सोनांचल की पहाड़ी में सोने के अलावा लोहा और भारी मात्रा में दूसरे खनिज भी दबे हैं। सोने की मौजूदा कीमत के हिसाब से इतने सोने का मूल्य करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। कब से सोने की खोज? सोनभद्र में सबसे पहले 1980 के दशक में सोने की खोज शुरू हुई। दूसरी बार कोशिश 1990-1992 में की गई। तीसरी व चौथी कोशिश 2005 से 2012 के बीच की गई। किसने की तलाश? परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान। सोने की खोज कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला, झारखंड का गढ़वा जिला। भू भौतिकीय सर्वे के दौरान सोनांचल की पहाड़ी में सोने के साथ साथ लोहा सहित भारी मात्रा में दूसरे खनिज भी दबे हैं। जिले के कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से भू भौतिकीय सर्वे जारी है। इस सर्वेक्षण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रहता है, जो कि जमीन की सतह से 60 से 80 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए सर्वेक्षण करता है। अब कितना सोना? सोन पहाड़ी में 2,943.26 टन, हरदी ब्लॉक में 646.15 किलो सोना मिलने की उम्मीद। सोने के अलावा क्या मिला? सिलेमेनाइट 1 करोड़ टन, पोटाश 1 करोड़ टन, एंडलुसाइट, ग्रेफाइट और यूरेनियम भी मिले। भारत सरकार की मंशा और राज्य सरकार की मंशा है कि इनको इन रिजर्व को लीज करने के लिए पट्टे पे देने की संभावना पे विचार कर रही है। सरकार के कहने पर सभी खनन स्थलों के सीमांकन का काम पूरा हो चुका है। अब वन विभाग की भूमि के नक्शे से सीमांकन का मिलान कर देखा जाएगा कि कहीं ये जगह वन भूमि में तो नहीं आ रही है। अगर ये खदानें वन भूमि के दायरे में आएंगी तो इसकी रिपोर्ट को सरकार को भेजा जाएगा, ताकि इस भूमि को धारा 20 के तहत अधिग्रहित किया जा सके। बताया जाता है कि खनन चालू होते ही प्रदेश सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिलेगा। इसी क्रम में जियो टैगिंग शुरू की गई है और जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑनलाइन निविदा जारी करने का राज्य सरकार निर्देश देगी। एक बार निविदा को हरी झंडी मिल गई तो खनन का काम शुरू हो जाएगा और लाखों करोड़ों लोगों की किस्मत बदल जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।